जौ एक ऐसा अनाज है जिसे लोग आज की तारीख में बिल्कुल भूल चुके हैं। ये इतना हेल्दी न्यूट्रिशियस होता है कि यदि आपने इसे अपनी डेली डाइट में शामिल किया तो आप बहुत सारे फायदे इसके पा सकते हैं। पूरा वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ये बहुत ही हेल्दी रहता है और इसे किस तरह से आप दलिया बनाकर अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो मैंने आज यहाँ पे ये 1 किलो जौ लिया है, इसे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। ये किसी भी बनिए की दुकान पे आपको आराम से मिल जाएगा, 40-50 रुपए किलो में मिल जाता है। इसे क्लीन करने के बाद में हम इसका दलिया बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके ऊपर काफ़ी सारे छिलके हैं, तो ये फाइबर होता है, जौ फाइबरस होता है। इससे आपका जो डाइजेशन है बहुत ही सही रहता है और इससे आपका वेट लॉस भी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मिक्सर जार लेंगे। मैंने बड़ा वाला मिक्सर जार लिया है और इसमें हम ये करीब 1/4 क्वांटिटी का ये जौ डाल देंगे। तो मेरा जो मिक्सर है वह 1000 वाट का है, तो आप वाट का जरूर ध्यान रखें। वैसे बहुत ज़्यादा इसमें पावर नहीं लगती है, बहुत आसानी से हमारा ये दलिया बन जाता है। अभी हमें यहाँ पे इसे ढक्कन लगा के करीब 1 से 2 बार ही घुमाना है। इसे हमें कंटिन्यूस नहीं घुमाना है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है। यदि आप वास्तव में इसे बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। तो इस तरह से देखिए, थोड़े थोड़े छिलके इसके निकलने स्टार्ट हो गए हैं और इस तरह से हमें इसे वापस से ढक कर 1 से 2 बार वापस घुमाना है। मैंने इसे पहले 2 बार ही घुमाया था, अब वापस से मैं इसे 2 या 3 बार मैक्सिमम घुमा लूँगी, इससे इसके छिलके और ज़्यादा निकल जाएंगे। तो रुक रुक के ही हमें इसे यहाँ पर इस तरह से ग्राइंड करते रहना है और इस तरह से इसके छिलके हल्के से निकल जाएंगे, क्योंकि जो ऊपर का एक्स्ट्रा छिलका होता है वह यदि आपके दलिए में हाथ तो ये आपके गले में फंसता है और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से मैंने इसे एक बार और पीस लिया है। इससे क्या होगा कि जो जौ है वो छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और हमारे जो ये छिलके हैं वे अलग हो जाएंगे। अभी काफ़ी ज़्यादा छिलके अलग हो चुके हैं और कुछ इसमें आपको पाउडर भी दिखाई दे रहा होगा। अब हम इस पिसे हुए जौ को एक थाली में कलेक्ट करते जाएंगे और सारे जौ को इसी तरह से पीसते जाएंगे। तो पहले हम मैं आपको यहाँ पे इसका छिलका निकालना बता देती हूँ। बड़ी थाली लीजिए, उसमें इस तरह से हम इसे फटकेंगे, इसे फटकना बोलते हैं। वैसे तो इसको फटकने के अलग से टूल्स आते हैं जो जिसे हम लोग तो छाजला बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। तो देखिए जो छिलके होते हैं काफ़ी हल्के होते हैं, तो इस तरह से फटकने से छिलके निकल के बाहर रह जाएंगे और जो दलिया है जौ का जो पार्ट है वो पीछे की तरफ रह जाएगा। आप देख रहे हैं जितने मोटे छिलके, मोटा जौ है वो पीछे रह रहा है और उसके बारीक वाला सेंटर में और उससे बारीक वाला आगे, और छिलके एकदम हमारे अलग हो चुके हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसे कर लेना है। तो सारे चौक को हम इसी तरह से पीसते जाएंगे और इसके छिलकों को रिमूव करते जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को जब आप करेंगे घर पे तो आपको करीब 30 मिनट्स लग जाएंगे, लेकिन 30 मिनट्स में बनाकर आप आराम से 2 महीने का दलिया रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैं यहाँ पे इसे भी पीस लूँगी और इस तरह से इसे छान लूँगी और इसका छिलका अलग कर लूँगी। तो पूरे प्रोसेस को हमें यहाँ पे पहले कर लेना है। ये हमारे दलिया बनाने का फर्स्ट स्टेप है जिसमें कि हमें सारे छिलकों को निकाल लेना है। देखिए आपको छिलका निकल गया है और ऊपर यहाँ पे ये बारीक बारीक सा हमें यहाँ पे सूजी जैसा भी मिल गया है। तो यहाँ पे इसके हमें 3-4 तरह से पार्ट्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको पूरा वीडियो डिटेल में दूंगी। इस तरह से जब हमारा ये जौ पिस गया यानी इसका छिलका रिमूव हो गया है, तो देखिए इतना सारा छिलका हमारा इस 1 किलो जौ से निकल चुका है। इसे आप फेंकिए ना किसी जानवर, गाय को या किसी बकरी को आप इसे खिला दीजिए यदि आसपास वो आपको मिल जाती है, वरना आप इसे मिट्टी में गमले में डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरे 1 किलो जौ को पीस लिया है और उसका छिलका निकाल दिया है। तो दोनों प्लेटों में मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखो इस तरह से मैंने क्लीन कर चुकी हूँ मैं। अब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे और आगे का स्टेप करेंगे। तो आप फ्रेंड्स इस जौ के दलिये को ज़रूर अपनी डेली डाइट में शामिल करें। जौ जो होता है ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है। इसमें काफ़ी सारे विटामिन्स होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। फाइबर तो इसमें होता ही है जिससे डाइजेशन हमारा काफ़ी अच्छे से सही रहता है और साथ ही ये वेट लॉस को भी हेल्प करता है। तो इस तरह से जो ये छिलका है इसे आप बिल्कुल भी डिस्कार्ड ना करें, आप इसे किसी भी गाय बकरी को भैंस को खिला सकते हैं। और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जो हमारा यहाँ पे दलिया जो हमें मिला है मोटा है, काफ़ी मोटा है, इसे हम अभी कुक नहीं कर सकते हैं, तो इसे हमें अभी थोड़ा फाइन करना है। तो छिलके निकालने के बाद सेकंड स्टेप हमारा यही है कि इसे हमें थोड़ा सा पीसना है। तो इसे भी कंटिन्यूस ना पीसें क्योंकि हमें एकदम फाइन नहीं चाहिए। तो कि जो अब जौ है इसके काफ़ी छोटे टुकड़े हो चुके हैं, इस तरह से देखिए। और आपको जब तक इसके जो पीस जितने चाहिए उस अकॉर्डिंग जब नहीं होता है तो आप उसे और पीस सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो मैं इसे एक बार वापस से
पीस लूँगी, उसके बाद में मैं इसे छानूंगी। तो ये हमारी रेगुलर आटा छानने वाली छलनी है, मैं इसमें इसे डालूंगी ताकि सबसे पहले मुझे इसमें बारीक आटा निकल जाए, क्योंकि दलिये में हमें आटा नहीं चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैंने पूरे दलिये को दोबारा पीस लिया जौ को, उसके बाद में मैंने यहाँ पे इसे छान लिया। इस तरह से मैं इसका आटा अलग कर लूँगी, और आटा अलग करने के बाद में ऊपर हमें जो है फाइनल प्रोडक्ट हमारा वो मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से काफ़ी सारा मेरा आटा कलेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने इस पूरे को छान लिया है। तो इस तरह से मुझे ये आटा मिला है। फ्रेंड्स, इस आटे को आप चपाती भाकरी बनाते हो उसमें मिक्स कर दीजिए। मैंने बेजड़ की रोटी का वीडियो दिया है, उसमें भी आप इसे डालेंगे तो आपकी रोटी बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी बनेगी। और ये ऊपर देखिए हमें जौ का दलिया मिल चुका है, लेकिन मुझे अभी भी काफ़ी मोटा लग रहा है, क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं इसे एक बार वापस से पीसूंगी। और इस आटे को आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, रोटी बनाने में, या फिर आप इसकी बाटी में भी आके आटे में डालें तो भी बहुत अच्छी बाटी बनकर आएगी, क्योंकि काफ़ी मोटा आटा है। सूजी से थोड़ा बारीक है, लेकिन ये मोटा आटा की काउंट में इसमें स्टेज में आता है। अब मेरे पास में ये एक छलनी है, जो गेहूं साफ करने वाली छलनी होती है। ये देखिए इसके छेद काफ़ी बड़े होते हैं, तो दो तीन तरह के छेद इसमें आते हैं। जिस तरह का आपको दलिया चाहिए उस साइज़ की आप छलनी ले सकते हैं। ये आपको अमेज़ॉन पे या ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगी, और किसी स्टील के बर्तन की दुकान पे भी मिल जाएगी। अब हम इसे छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो नीचे मिल जाएगा हमें, क्योंकि हमें इतना मोटा ही दलिया चाहिए होता है, और जो ऊपर है वह मोटा मोटा पार्ट बच जाएगा। उसे हम वापस से पीस लेंगे एक या दो बार। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से घर पे जौ का दलिया बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट का दलिया की कोई गारंटी नहीं है कि वह जौ का दलिया है, किसका दलिया है, इसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ भी रहती हैं। तो मैं हमेशा घर पे ही इस तरह से सामान बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि हमारे हमारी मम्मी को भी इसी तरह से घर पे ही इन सब चीज़ों को बनाते तैयार करते हुए देखा था। देखिए कितना परफेक्ट हमारा जौ का दलिया बन के तैयार हो चुका है। और जो मोटा वाला पार्ट है इसे हम वापस से मिक्सर में डालेंगे, और इसे वापस से एक से दो बार घुमा लेंगे, ताकि हमें एकदम परफेक्ट और सब क्वांटिटी, जब कुछ भी हमारा वेस्ट ना हो और हमारा जौ का दलिया बन जाए। तो 2 या 3 महीने में एक बार आप आधा घंटा निकाल के इस तरह से बनाएंगे, तो आप इवनिंग में कभी कभी या लंच टाइम में वेजिटेबल दलिया बनाकर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। यदि उसकी रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। अभी आप इसे चाहें तो स्टोर कर सकते हैं, पर मैं आपको बताऊंगी कि लंबे समय तक स्टोर करने के लिए क्या आपको करना है, तो वीडियो को पूरा देखें। तो जो मोटा वाला पार्ट है इसे मैंने वापस से मिक्सर में डाल दिया है, और इसे हम पीस लेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आप घर पर हेल्दी और फिट रहेंगे, और काफ़ी ज़्यादा आपको न्यूट्रिशन वैल्यू इसके मिल जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे छान लिया है, और नीचे देखिए आप नीचे के जो का दलिया है प्लेट में वह बढ़ता जा रहा है, ऊपर हमारा कम होता जा रहा है, क्योंकि हम इसे बार बार इस तरह से पीसते जा रहे हैं। तो बस हमें यही स्टेप को दोहराते रहना है जब तक कि हमारा पूरा दलिया बन नहीं जाता है। तो धीरे धीरे देखिए हमारा दलिया बन रहा है। मैंने गेहूं का दलिया भी किस तरह से बनाया जाता है उसका भी वीडियो दिया है, और आप लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया है यूट्यूब पर भी और फेसबुक पेज पर भी, उसे भी आप ज़रूर चेक करें। अभी जो थोड़ा सा मोटा है इसे हम इसमें ही मिक्स कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास में अब ये जौ का दलिया तैयार हो चुका है। अब इस तैयार दलिये से आप ढेर सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि सादा दलिया, नमकीन दलिया, मिक्स वेजिटेबल दलिया, मीठा दलिया, और खीर भी इससे बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ढेर सारी चीज़ें आप इसे बना सकते हैं। पुराने ज़माने में इस तरह से ही चीज़ें बनाई जाती थी और खाई जाती थी। अब इसे लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हम इसे रोस्ट करेंगे। तो इसे एक हैवी बॉटम कढ़ाई में डाल दें, उसके बाद में हम इसे लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। हमें सिर्फ इसे ड्राई रोस्ट कुछ 5 या 6 मिनट के लिए ही करना है, ताकि इसके अंदर की सारी नमी निकल जाए और इसे हम आराम से 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकें। तो इस तरह से मैं काफ़ी सारे आपको टिप्स देती रहती हूँ, ताकि आप घर पे ही ये सामान बनाकर अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बना सकें, और साथ ही उसमें टेस्ट भी ला सकें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और इसी तरह की और आपको बेसिक चीज़ें चाहिए तो वह भी बताएं, ताकि हम उसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए बनाएं। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। फेसबुक पेज को लाइक शेयर फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।